हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीब्रोफाइलिन तथा एसिटाइलसिस्टिन टेबलेट के बारे में। ये दो कंपोजिशन की एक दवा है। यह श्वास नली तथा फेफड़ों से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसीब्रोफाइलिन तथा एसिटाइलसिस्टिन टेबलेट की बात करते हैं, तो यह दो कंपोजिशन की एक दवा है और यह श्वास नली तथा फेफड़ों से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो एसीब्रोफाइलिन है, यह एक ब्रोंकोडायलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट है, जो श्वास नली तथा फेफड़ों में मसल्स को रिलैक्स करता है और साथ ही म्यूकस को लूज करके उसे पतला करने का काम करता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में आसानी होती है। और जो एसिटाइलसिस्टिन है, यह भी एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, जो म्यूकस है जिसे हम फ्लेगम कहते हैं, इसको पतला तथा लूज करने का काम करता है, जिसे खांसी की सहायता से इसे बाहर निकाला जा सके। और इस प्रकार ये दोनों दवा मिलकर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसमें जो एसीब्रोफाइलिन है, यह 100 mg, एसिटाइलसिस्टिन 600 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं, तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे एबीवेज, म्यूसिनेक एबी, पल्मोक्लियर। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह ब्रोंकोडायलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट का कॉम्बिनेशन है और यह दोनों दवा मिलकर रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या हो जाती है, तो उस व्यक्ति को श्वास नली तथा फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति की श्वास नली में सूजन आ जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सीओपीडी की समस्या हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति के चेस्ट में कंजेशन होने लगता है, यानी लंग्स में कंजेशन होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एम्फिसिमा नाम की बीमारी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यह बीमारी अधिकतर स्मोकिंग करने के कारण होती है। इस बीमारी में व्यक्ति के जो लंग्स के एयरवेज है, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनकी सेल्स डैमेज हो जाती है, सूजन आने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इन सभी बीमारी के लक्षण की बात करते हैं, तो व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में टाइटनेस लगता है, सांस लेने में व्यक्ति के चेस्ट में से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, व्यक्ति को खांसी चलना और खांसी के साथ वेट कप भी बाहर आना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या लंग्स में सूजन आ जाती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं, तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं, तो इस टेबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस व्यक्ति को दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है, जिससे व्यक्ति को गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम ना हो। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो इस टेबलेट को 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय से ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो उस व्यक्ति को 7 दिन से लगाकर 14 दिन तक दिया जाता है। लेकिन यदि कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का हो, तो उसको यह टेबलेट नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक,
ड्रोजीनेस, डिजीनेस, लूज मोशन, डायरिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का हो तो उस बच्चे के लिए आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एसीब्रोफाइलिन तथा एसिटाइलसिस्टिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।